नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। केतात गांव में नवनिर्मित महावीर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकली कलश यात्रा। विश्रामपुर से शशि शंकर तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड के केतात कला गांव में नवनिर्मित महावीर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंगलवार को मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गाँव एवं आसपास के हजारों श्रद्धालु भक्त शामिल थे। हाथी घोड़ा और गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में शामिल महिला पुरुष युवक युवतियां नए वस्त्र धारण कर सिर पर कलश लिए कोयल नदी पहुंचे, जहां पंडितों ने गंगा पूजन कर सभी श्रद्धालुओं को जल उठाने की अनुमति दी। कलश में जल को लेकर यज्ञशाला पहुंचे श्रद्धालुओं ने यज्ञ परिसर में कलश स्थापित किया। इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा निमित्त यज्ञ की शुरुआत हुई। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ नगर भ्रमण के उपरांत नवनिर्मित मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति प्रस्थापित किया जाएगा। यज्ञ में स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज के अलावे कई संत महात्मा और विद्वान पधारे हैं। मंदिर और यज्ञ कमेटी के सदस्य कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। असल केतात गांव में मनोकामना सिद्ध पीठ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया गया है और प्राण प्रतिष्ठा हेतु परम पूज्य वासुदेवाचार्य जगत गुरु महेश्वर विद्या भास्कर जी पधार रहे हैं। आप सब लोगों को यज्ञ समिति की ओर से हम सबको शुभकामना देते हैं और अमन चैन और शांति और विकास के लिए यह मनोकामना सिद्धि यज्ञ पीठ की स्थापना की गई है। इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हेतु एक यज्ञ का आयोजन केतात यज्ञ समिति ने किया है, जिससे अगल बगल पूरे इलाके के सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। यज्ञ समिति के आयोजन का वहां के लोगों ने निर्णय लिया था, लेकिन तमाम लोग आवाम सब लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुलूस में लेकर वहाँ हम लोग जल यात्रा में कोयल नदी के तट पर खड़े हैं और यहाँ से जल लेकर समूचे लोग जाएंगे। हजारों हजार लोग हैं जो जा रहे हैं फिर वापस जल लेकर, और यज्ञ का शुरुआत होगा। आप सभी लोगों को यज्ञ समिति की ओर से मैं आमंत्रित करता हूँ। यज्ञ समिति में आप सभी तन मन धन से भाग लें और परम पूज्य विद्या भास्कर जी के प्रवचन को का श्रवण कर पुण्य के भागी बने। केतात ग्राम के हम लोगों के पूर्वज मकरंद चौबे के पवित्र धरती पर, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि केतात के पवित्र धरती पर ऐसे ऐसे महान संत जिनका दर्शन बहुत कम हो पाता है, तो हमारे पूर्वज के धर्म के लिए और धर्म के साथ ऐसे ऐसे संत का आज पूरे इलाका में क्षेत्र में जो दर्शन हो रहा है, इसके लिए मैं अपने संत का हार्दिक अभिनंदन और चरण वंदना करता हूँ। केतात यज्ञ कमिटी और क्षेत्र के सारे लोगों का सहयोग पूर्णतः मिल रहा है। सारे नौजवान सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसे ऐसे संत का प्रवचन सुनने के लिए हम क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। और जो भी लोग सारे क्षेत्र के सहयोग दे रहे हैं, केतात की ओर से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि यह यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो। आज जल यात्रा निकला, इसमें भी क्षेत्र के सारे लोगों ने सहयोग किया, धन मन धन से लोग सहयोग कर रहे हैं और यह मनोकामना पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की जो प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह सफल होगी और लोगों के लिए यह एक उदाहरण बनेगा इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए। मनोकामना यह एक हनुमान पंचमुखी जो है यह एक यहाँ के लिए तकदीर होगी और यह लकीर होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। संतोष कुमार माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर लेडीज ड्रेस किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।